नमस्कार दोस्तों, इजलास में आपका फिर से स्वागत है। मैं एडवोकेट दीपक आज आपको बताऊंगा कि एक हिस्सेदार को जॉइंट प्रॉपर्टी में से हिस्सा बेचने से कैसे रोक सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कई बार जो एक प्रॉपर्टी के बहुत सारे मालिक होते हैं, जिन्हें हम हिस्सेदार भी बोलते हैं, कोशेयर भी बोलते हैं इंग्लिश में, और हिस्सेदार और कोशेयर जो हैं, अगर उनमें से एक बंदा भी मान लीजिए वो किसी का दुश्मन होता है आपस में, या फिर मान लीजिए उसकी उनकी आपस में बंदी नहीं है, तो जॉइंट प्रॉपर्टी जो है एक समस्या है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अगर एक हिस्सेदार जो है अपना शेयर बेच देता, मान लीजिए एक मकान है, एक मकान में दो फ्लोर हैं, उसमें तीन भाई रहते हैं, ठीक है जी, और उसमें से एक भाई जो है उन दोनों का दुश्मन बन गया है, तो वो अपना हिस्सा अगर किसी ऐसे मसल मैन या किसी प्रॉपर्टी डीलर या दबंग इंसान को बेच देता है जिसकी विचारधारा या रहन सहन या सब कुछ आप कह लीजिए व्यवहार वो उन दो भाइयों से नहीं मैच होता है, तो वो वहाँ पे नहीं रह सकते साथ में, और वो वहाँ पे एक जो है झगड़ा हो जाएगा, या फिर दोनों भाइयों को वो प्रॉपर्टी उसी दबंग इंसान को बेचनी पड़ेगी मजबूरी में। तो दोस्तों, एक मुश्तरका प्रॉपर्टी अगर कोई भी हिस्सेदार अगर उनमें से सही नहीं है तो वो एक समस्या है। तो ऐसे में उसका इलाज क्या है? उसका इलाज बंटवारा है, और बंटवारे के ऊपर अगर एग्रीकल्चर लैंड है तो वो भी, और नॉन एग्रीकल्चर लैंड है तो उसके ऊपर भी हमने चैनल पे अलग अलग वीडियोस बनाए हुए हैं। आप चैनल पर जाके ज़मीन का ज्ञान जो हमारी प्लेलिस्ट है वहाँ पे जो है ज़मीन से रिलेटेड और अन्य वीडियो देख सकते हैं। और एक और रिक्वेस्ट मेरी दोस्तों, अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसके लिए आप बेल आइकन प्रेस करके आल बटन पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, अब बात रही ये कि भाई हम उस हिस्सेदार को प्रॉपर्टी से शेयर बेचने के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक हिस्सेदार जो है वो फ्रॉड होता है, मान लीजिए वो कोई परचेजर है, वो आपके भाई या कुनबे में से नहीं है, और वो कोशेयर जो है अपने हिस्से से ज़्यादा ज़मीन किसी दबंग को बेच देता है, ठीक है जी, या फिर मान लीजिए कि वो मोर वैल्यूएबल जो पार्ट है प्रॉपर्टी का, जो ज़्यादा कीमती है, उसको बेच देता है, तो ऐसे में जो है वो एक लिटिगेशन बन जाती है, और ऐसे में जो हिस्सेदार है वो सब परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का जो आइडिया है मेरे को तब आया, मेरे एक केस में क्या हुआ कि मेरे क्लाइंट के पास जो है कोशेयर जो है उसका वो फ्रंट की ज़मीन बेचना चाहता है, उनके जो खेवट है उसमें बहुत सारी जो ज़मीन है वो सबके अलग अलग हिस्से में काबिज़ हैं सब लोग, लेकिन जो अपोजिट पार्टी है मेरे क्लाइंट की वो सिर्फ फ्रंट का हिस्सा बेचना चाहती है, और फ्रंट का हिस्सा बेचने के बाद जो कम वैल्यू की ज़मीन है वो पीछे रह जाएगी और बाकी हिस्सेदारों के बांटे आएगी। तो दोस्तों, अब मैंने जो है इस चीज़ को टालने के लिए क्या किया, इसके लिए हम अब सीधी सी बात ये भी है एक सेटल रहा कि भाई एक कोशेयर के खिलाफ सिंपल इंजंक्शन सूट आप फाइल नहीं कर सकते हो, आपको सीधा स्टे नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कोर्ट में पार्टीशन का मुकदमा डालना पड़ेगा। पार्टीशन के मुकदमे में सिविल सूट में जो है ना आपको साथ में स्टे एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, उस स्टे एप्लीकेशन में आपको कोर्ट को कन्विंस करना होगा कि जो डिफेंडेंट यानी कि उत्तरवादी जो है वो एक मोर वैल्यूएबल प्रॉपर्टी को बेचना चाहता है, अगर प्रॉपर्टी जॉइंट है और वो एग्रीकल्चर लैंड है और उसका पार्टीशन का मुकदमा रेवेन्यू ऑफिसर के पास है, तो आप बताएंगे कि भाई जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी में से वो मोर वैल्यूएबल प्रॉपर्टी को बेच रहा है या कीमत को चेंज कर रहा है, तो ऐसे में जो और कोशेयर है उनको नुकसान होगा। तो दोस्तों, कोर्ट जो है कई बार शेयर से ज़्यादा ना बेचने का स्टे दे देता है, हिस्से में जो स्पेसिफिक नंबर है उसको ना बेचने का स्टे भी ग्रांट कर सकता है। तो दोस्तों, ऐसे में अगर आपको वीडियो में जानकारी सही लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।